क्या आपको अंतरिक्ष में इंटरेस्ट है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आज आपको काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम मनोरा पीक पर स्थित आर्यभट्ट विज्ञान प्रेक्षण शोध संस्थान एरीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एरीज एक खगोलीय वेधशाला है, यानी कि ऑब्जर्वेटरी। इस ऑब्जर्वेटरी की मदद से हम अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का एनालिसिस करते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंसेस का अध्ययन बड़े बारीकी के साथ किया जाता है। नैनीताल में इस ऑब्जर्वेटरी के स्थित होने से इसने पूरे भारत में अपनी एक पहचान बनाई है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप मुक्तेश्वर के देव स्थल में स्थापित किया गया है। चलिए अब चलते हैं अतीत के पन्नों पर और जानते हैं कि एरीज नैनीताल में कब स्थापित हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप इसी प्रकार से एंजॉय कर सकें। ऑब्जर्वेटरी को नैनीताल में सर्वप्रथम 1955 में स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इसे फिर मनोरा पीक में 1961 में स्थापित किया गया। ऑब्जर्वेटरी की मदद से हम मिल्की वे, स्टार्स, चुंबकीय क्षेत्रों आदि का गहन अध्ययन करते हैं। बात करें एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की, तो यह मुक्तेश्वर के देव स्थल में स्थापित किया गया है। यह नैनीताल से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है। देव स्थल की ऊंचाई 2450 मीटर है, जहां से इन टेलीस्कोप से ब्रह्मांड का अध्ययन काफी सघनता से किया जाता है। केंद्र सरकार ने इसे 2007 में मंजूरी दी थी और करीब 120 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। इस स्थान का सर्वे 1980 से शुरू हो गया था। सर्वे कार्य 2000 तक जारी रखा गया। अंततः देव स्थल को बड़ी दूरबीन के लिए चुना गया। इसे देव स्थल में इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि देव स्थल वायु, ध्वनि, प्रकाश और प्रदूषण के व्यवधान से मुक्त है। 25 वैज्ञानिकों और 13 इंजीनियर की हेल्प से इस टेलीस्कोप को रेडी किया गया और 30 मार्च 2016 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने रिमोट एक्टिवेशन के जरिए इस प्रोजेक्ट को एक्टिवेट किया। आइए जानते हैं इस दूरबीन के बारे में। नंबर 1, यह दूरबीन 1000 किलोमीटर दूर स्थित किसी भी वस्तु का सटीक आकलन कर सकती है। नंबर 2, इस दूरबीन की हेल्प से हम खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। नंबर 3, 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप से कम रोशनी के तारों का भी अध्ययन कर सकेंगे। नंबर 4, इस टेलीस्कोप की मदद से हमें दूसरे देशों से हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब एरीज की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एरीज की दूरी नैनीताल से वाया रोड 9 किलोमीटर है, और अगर आप हनुमानगढ़ी से पैदल चले तो यह सिर्फ 1 किलोमीटर दूर स्थित है। जब 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, तब एरीज को राजकीय वेधशाला के रूप से जाने जाने लगा। एरीज के नैनीताल में स्थापित होने से नैनीताल को एक और ख्याति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।